मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद वो खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियादी पुख्ता ना हो तो कैसे मकान पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की और वो 14 साल के। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म से दादी का अर्थ था, और मेरी शालीनता ऐसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। उस स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोल बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, रागेश्याम, श्रीयुत राधेश्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली के कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वो 9वीं जमात में और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी।